बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चिकन मंडी की आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं। मैंने तकरीबन 1.5 किलो के लगभग गोश्त लिया है, उसमें गहरे मैंने कट लगाए हैं और 1 किलो के करीब मैंने जो है ये चावल लिए हैं, उनको अच्छी तरह मैंने पानी डाल के वॉश कर लिया है। चावलों को अच्छी तरह आपने मलना है पानी डालने के बाद, ताकि उसमें जो होती है उसका ऊपर लगी हुई चीज़ वो अच्छी तरह से उतर जाए। फिर उसमें हमने एक और पानी डाल के उसको अच्छे से भिगो देना है। पानी इतना डालना है ताकि वो अच्छी तरह डिप हो जाए। अब हमने साबुत मसाले लेने हैं, साबुत खुश्क धनिया, ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, लौंग और साबुत दालचीनी, छोटी इलायची लेंगे हम, ब्लैक बड़ी इलायची लेंगे और जावित्री लेंगे। ये सारी चीज़ों को हम साबुत गरम मसाला जो है उसको हम अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से ये है कि उसकी खुशबू जो है वो बहुत अच्छी आती है। 3 से 4 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह रोस्ट करेंगे। इन सब चीज़ों को रोस्ट करने के बाद अब हम इसको पाउडर बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे हम इनको, और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। अब हम इसका मसाला जो है वो तैयार कर लिया है हमने। चिकन में हमने 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया है मैरिनेट करने के लिए, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाला है, लेमन जूस 3 से 4 अदद हम इसमें लेमन के जूस डालेंगे, ये जो हमने मसाला ग्राइंड किया है इसमें से हम थोड़ा सा मसाला 1-2 चम्मच जो है ना इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, 1 से 1.5 चम्मच हम ऑयल का डालेंगे ताकि जो मसाला है वो चिकन के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको हम 1/2 घंटे के लिए ढांप देंगे। फिर हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे, उसमें हम ये जो है ड्राई फ्रूट उसको हम रोस्ट कर लेंगे, बादाम, काजू, इसको हम अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। इसमें इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। ड्राई फ्रूट का इसमें किशमिश ऐड कर लेंगे, इसको बस ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, थोड़ा सा करेंगे ताकि ये ज़्यादा ना हो जाए। इसको फिर हम स्ट्रेन कर लेंगे, बर्तन में निकाल लेंगे हम। निकालने के बाद ये जो इसका ऑयल बचा है इसी ऑयल को हम दूसरे पैन में दोबारा से डाल लेंगे। ये जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है इसका हम एक एक पीस करके इसमें हम डाल देंगे। इसमें बटर के 1 चम्मच डाल देंगे, इससे जो है इसकी खुशबू जो है अच्छी आएगी। इस तरह एक एक पीस करके हम रखते जाएंगे इनको। तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम एक साइड को पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम ये पेपर डाल देंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना आए। इस तरह की मीडियम आँच पर आपने इसको बनाना है, ज़्यादा तेज़ आँच पर नहीं बनाना। इस तरह फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे इस तरह करके। साइड चेंज करने के बाद हम इसको दूसरी साइड पे अच्छी तरह पका लेंगे। ये देखें जो कट लगे हैं उनके अंदर मसाला अच्छी तरह चला गया है और इसका पानी भी खुश्क हो गया है और ऑयल निकलना शुरू हो गया है। ये बहुत आसान तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप अच्छी तरह से इसको समझ लें, बना लें। फिर हम इसको ऐसे करके निकाल लेंगे। ये देखें कितने अच्छे कट हुए हैं, बगैर तंदूर के, बगैर ओवन के हमने इसको बनाया है। अब ये जो ऑयल है हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसमें हमने 1-2 चम्मच वो देसी घी के ऐड किए हैं, क्योंकि घी से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। 2 चम्मच देसी घी के साथ हमने थोड़ा सा ऑयल इसमें ऐड किया है
और हमने दो मीडियम प्याज जो हैं वो इसमें हमने ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको चावलों की जो है ना वो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, आपने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसमें 6 से 7 अदद आपने सब्ज़ मिर्चें साबुत ले लेनी है, दरमियान में कट लगा लेना है। लहसुन आपने इसमें पेस्ट जो है वो डाल देना है, इसमें आपने अदरक का पेस्ट नहीं डालना, सिर्फ लहसुन पेस्ट डालना। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मैं अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। अच्छा, ये 2 चम्मच हमने वो रेड मिर्च जो है ना वो डाल दी है, वो जो मसाला हमने ग्राइंड किया हुआ था ना वो इसमें 2 चम्मच हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। अब हमने इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दिया है, वो जो हमने जिसमें हमने चिकन फ्राई किया था वो ऑयल हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब एक पानी का बाउल हमने एक और कर देंगे, 1 किलो तकरीबन चावल थे उसके हिसाब से हमने इसमें पानी ऐड किया है। 2 चम्मच हम नमक ऐड कर देंगे इसमें। ये आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अब इसमें आप चावल ऐड कर दें, जब पानी को उबाल आए तो चावल ऐड कर दें आप इसमें, और आँच इसकी ज़रा थोड़ी तेज़ कर दें। ये देखिए, पानी खुश्क होना शुरू हो गया है तकरीबन इसका। आपने चम्मच अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि वो जो चावल हैं वो नीचे बैठे ना। अब इसका टाइम नोट कर लेना है आपने, 4 से 5 मिनट तक आपने इसको पकने देना है। ये देखिए, इतना पानी रह जाए तो फिर आपने इसको जो है ना वो दम लगा देना है। ये इतना पानी होना चाहिए चावलों में, चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क ना करें, फिर दम सही से नहीं आता। ये हम इसमें कलर डाल देंगे इस चावलों में, और जो पीस हमने फ्राई किए थे वो पीस हम ऊपर रख के और उसको हम दम लगाएंगे। दम आपने अच्छे से लगाना है ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए और चावलों का दाना जो खिला खिला सा हमारे सामने आए। ये देखें, आपने अच्छी तरह से इसको टाइट करना है और टाइम नोट कर लेना है अपना, 5 से 10 मिनट तक हम इसका दम लगाएंगे। उसके बाद हम इसको ओपन करते हैं, अब देखते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना मज़े की रेसिपी तैयार हुई है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये देखें, अब इसको हम खोलते हैं, ये देखें कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये देखें माशाल्लाह, अल्लाह की शान देखें, माशाल्लाह कितना मज़े का तैयार हुआ है। इस पर हम ड्राई फ्रूट थोड़ा सा छिड़क देंगे, ये देखें कितना मज़े की लुक आई है इसकी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू कर देंगे, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता से करके करेंगे। ये देखें माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये गोश्त देखें अच्छी तरह गल चुका है माशाल्लाह से। आपने मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अपना ख्याल रखना है। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।